पूरे 17 सालों तक एक्स कर्नल कृष्णकांत पुरी की अपील दर अपील पर गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चाइना गेट मिशन की नाकामयाबी पर आर्मी हेडक्वार्टर्स का वो फैसला कि कर्नल कृष्णकांत पुरी और उनकी बटालियन के 10 साथियों का कोर्ट मार्शल किया जाए बिल्कुल सही था। चाइना गेट मिशन के दौरान कर्नल कृष्णकांत पुरी और उनके साथियों का पीठ दिखाकर भागना भारतीय थल सेना के इतिहास का एक काला पन्ना होगा। क्या शरिंग की सजा देकर बाकी सिपाहियों के लिए भी एक सबक होगा कि ड्यूटी पर तैनात सिपाही के दिल में एक ही जज्बा होना चाहिए और वह देश पर मर मिटने का। इस मामले में किसी और अपील की इजाजत न देते हुए यह अदालत चाइना गेट मिशन के इस केस को मुकम्मल तौर पर पूरा मानते हुए यहीं बंद करने का हुक्म देती है।
Yes. नमस्ते कर्नल साहब. कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरा नाम संध्या है, संध्या राजन. आप मेरे डैडी फॉरेस्ट ऑफिसर सुंदर राजन को जानते थे, दोस्त थे आपके. ये देखिए, आप शादी में भी खड़े हैं. मैं आपसे कभी मिली नहीं, मगर डैडी से अक्सर आपकी बहादुरी के किस्से सुने, फिर अखबार में आपकी तस्वीर देखी. आप कोई केस लड़ रहे हैं ना कई सालों से? देखिए मेरे पास. जगीरा, मेरा गांव देवदुर्ग, आसपास के तमाम गांव जगीरा के आतंक से जैसे मरे जा रहे हैं. यूं समझिए हमारी हर सुबह किसी न किसी की चीख पुकार के साथ जागती है. बातों में आ गया, जगीरा ने इसकी जबान काट दी. अरे तुम इसे दवाखाने में ले जाओ, जल्दी जल्दी ले जाओ. अरे संभाल के ले चलो, आराम संभाल के. तेरा गोपीनाथ, हमने तुम्हें इसलिए मुखिया बनाया था ताकि तुम हमें सही रास्ता दिखाओ, लेकिन तुम इस फॉरेस्ट ऑफिसर की बातों में आके हमें बहका रहे हो. जगीरा ने खबर भेजी है कि अब भी अगर हमने उसे धन और धान नहीं भेजा तो वो हम सबके सर काट के फेंक देगा. देखो गोपीनाथ, सरकार आप हमारे और मुखिया के बीच में मत बोलिए. हाँ, आपसे हमारा कोई वास्ता नहीं है. आपका तो अब तक कोई मरा नहीं ना. चुप चुप. अरे क्या बक रहे हो तुम? किसके साथ बात कर रहे हो तुम? तुम जानते हो राजन साहब फॉरेस्ट अफसर है, पुलिस अफसर नहीं है. जगीरा को पकड़ने का इनका काम नहीं है, बल्कि हमारी बेबसी और लाचारी को देखकर इन्होंने जगीरा को पकड़ने का बीड़ा उठाया है. अरे बाप बेटी हमारे गांव की भलाई के लिए क्या क्या नहीं करते. हाँ, डिस्पेंसरी खोली, स्कूल शुरू कर दिया और क्या क्या नहीं किया, और तुम कहते हो कि हमारा इनका कोई वास्ता नहीं है. अरे शर्म करो. चुप हो जाओ. देखो खतरा तो सबको है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो तो हमें आज इस खतरे का मुकाबला करना पड़ेगा. 2 महीने से हमने जगीरा को धन और धान देने से इनकार कर दिया है और इससे जगीरा घबरा गया है. वो जानता है कि अगर आज इस गांव ने इनकार कर दिया तो कल दूसरा गांव करेगा, फिर तीसरा, और जगीरा खत्म हो जाएगा. इसलिए वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए. मैंने सोच समझ कर जगीरा को पकड़ने का एक प्लान बनाया है. भगवान ने चाहा तो 24 घंटे के अंदर जगीरा पकड़ा जाएगा. हाँ, सब ठीक हो जाएगा. क्यों भाई मुखिया? हाँ साहब. राजन साहब ने तो कहा था जगीरा यहाँ आएगा. ना राजन साहब का पता है ना जगीरा का. कहाँ है वो? सब राजन साहब के प्लान के मुताबिक जगीरा अब तक यहाँ होना चाहिए था. पता नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करते साहब. जगीरा जरूर आएगा सर. मेरी बड़ी तमन्ना है उसे अपने हाथों से हथकड़ी पहनाओ. इंस्पेक्टर शर्मा ने भी यही कहा था. जगीरा ने उसके हाथ के 999 टुकड़े करके गिद्धों को खिला दिए. मालूम है जगीरा जहां जाता है गिद्ध उसके साथ चलते हैं.